श्री हनुमान जी महाराज का विशेष वार मंगलवार और शनिवार है। हनुमान जी महाराज जो भक्त हनुमान जी महाराज के अति प्रिय है, श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करते हैं, उनके निवारण हेतु, उनके दुख संकट निवारण हेतु मंगलवार और शनिवार के दिन उस भक्त के पास आते हैं। पावन पवित्र बागेश्वर धाम जैसी शाखाएं पूरे विश्व के अंदर है, उन जगह पर उन पावन पवित्र शक्तियों के ऊपर उस दिन विराजमान होते हैं। ये वार की एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। मंगलवार वार तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आज मंगलवार का बहुत बड़ा महादिव्य दरबार, पेशी दरबार और फेरी दरबार लगने वाला है। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज महावीर श्री हनुमान जी महाराज का पावन पवित्र बार मंगलवार है। मंगलवार और शनिवार, शनिवार और मंगलवार दो ऐसे वार हैं जो हनुमान जी महाराज को अति प्रिय हैं। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहां जहां हनुमान जी महाराज के पावन पवित्र स्थल हैं, मंदिर हैं, उन मंदिरों के अंदर मंगलवार और शनिवार को बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को ये विशेष वरदान है माँ लक्ष्मी का। लक्ष्मी रूप ही थी माँ सीता। माता सीता ने यह वरदान दिया था कि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको जो भी भक्त भेजेगा उसके सभी बिगड़े हुए काम बनेंगे। शनिवार और मंगलवार के दिन आपको जो भी भक्त सिंदूर और चोला चढ़ाएगा उसको मन वांछित फल, जो भी जिसकी जो भी समस्या होगी उस समस्याओं का निवारण होगा। तो तभी से हनुमान जी महाराज की अनेकों उदाहरण है मंगलवार और शनिवार की, कोई एक उदाहरण नहीं है। तो मंगलवार का जो दिन है अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आज मंगलवार के दिन महादिव्य दरबार और पेशी दरबार लगता है। हजारों किलोमीटर दूर से भक्त आके अपनी मनोकामनाएं, जो जो जिस जिस भक्त की परेशानी है, जिस जिस भक्त की समस्या है, जो जो समस्याएं होती हैं, दुख की है, सुख की है, घर परिवार की है, भूत प्रेत बाधा लाग लपेट, घर के अंदर नेगेटिविटी की है, अनेकों समस्याएं हैं, घर गृहस्थी की है, व्यापार की है, पढ़ाई लिखाई की है, स्वास्थ्य की है, और किसी से अनबन हो गई है उनकी है, घर गृहस्थी के अंदर मियां बीवी की आपस में धर्म पत्नी की और पति देव की नहीं बन रही है। व्यापार के अंदर जब भी कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार के अंदर कोई फायदा नहीं होता, घाटा ही घाटा होता है। बच्चे बात को नहीं मानते, जमीन जायदाद खरीदते हैं, कोई फायदा नहीं होता। तो इंसान कलियुग के अंदर हमेशा यही सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं। सुखी होने का ही सारा का सारा प्रोपेगेंडा जितना भी है ये सुखी होने का है, लेकिन उसको पता नहीं कि सुखी जो सुख है उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे। उन सुखी प्रतिक्रिया या जो प्रक्रिया है, जो माध्यम है सुख का, भाई सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, वही संत महात्मा और गुरुदेव भगवान जो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर विराजमान है, कलयुग के विशेष अवतारी ही मानिए आप, हमारे श्री श्री 1008 स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जो आपको बताते हैं एक एक बात कि आप यह कीजिए, आप यह कीजिए। इतने आसान तरीके से कोई संत नहीं बता सकता जो महाराज जी बताते हैं। जिस जिस भगत की जो जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण बहुत ही सटीक तरीके से करते हैं, घर बैठे समाधान करवाते हैं। आपकी जो पेशी है, आपकी जो अर्जी है, वो घर बैठे लगवाते हैं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब भी आपको जिंदगी में टाइम मिले तो आप पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आके फेरी लगा सकते हैं,
देसी दरबार में भी आ सकते हो, दिव्य स्थली के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप असमर्थ हैं, घर में पैसे की तंगी है, आप आ नहीं सकते।